आपकी मुहिम ने किया कमाल, बेबस माँ बाप का जीवन हुआ खुशहाल, मासूम कनौ को मिला जीवनदान, कनौ और उसके परिवार से मिले सीएम केजरीवाल। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की मानवता की मुहिम से दिल्ली के एक 1.5 साल के मासूम कनौ को जीवन दान मिला है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सांसद संजू अरोड़ा के प्रयासों और जनता के सहयोग ने कनौ के माता पिता के जीवन को खुशहाल बना दिया है। दरअसल कनौ जब पैदा हुए थे तब उन्हें SMA नामक की एक जेनेटिक बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में 10,000 बच्चों में से एक को होती है। भारत में ये बीमारी सिर्फ 9 लोगों को है, जिसमें से कनौ एक है। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। कनौ को 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंजेक्शन लगाया गया, तब जाकर उनको जीवन दान मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कनौ और उसके माता पिता से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। बच्चे और कनौ का हाल जाना, उसे आशीर्वाद दिया और परिवार को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार है। कनौ जब पैदा हुए थे तो उनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। उस जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो उनके पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, वो खड़े नहीं हो सकते थे, उनके पैर काम नहीं करते थे। और धीरे धीरे वो जो बीमारी है वो ऊपर शरीर पे जाने लग गई उनका। धीरे धीरे एब्डोमेन भी जो है वो भी लाइफलेस होने लग गया, बैठने में दिक्कत होने लग गई। जब इन्होंने खूब सारे टेस्ट चारों तरफ कराए तो पता चला कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है। और अगर 24 महीने के अंदर इलाज नहीं कराया गया तो धीरे धीरे ये बीमारी ऊपर चली जाएगी, लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे और इनके लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। तो इन्होंने चारों तरफ पता किया तो पता चला कि इसकी एक ही दवाई है, एक इंजेक्शन है जो कि अमेरिका से आएगा और वो 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, क्योंकि ये रेयर डिजीज़ है। इनका बताना है कि पूरे देश में अभी तक ऐसे 9 केस, भारत देश में अभी तक ऐसे 9 केस हुए हैं टोटल, और ये दिल्ली में ये पहला केस है। तो इन्होंने 17.5 करोड़ की मेडिसिन, ये बेचारे कैसे, एक मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से 17.5 करोड़ लाएगी। तब इन्होंने हमारे MP संजीव अरोड़ा जी से संपर्क किया, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के MP हैं। संजीव अरोड़ा जी बहुत सारे चैरिटेबल काम करते हैं, इनकी कई सारी NGOs हैं और उन NGOs के थ्रू ये लोगों के लिए मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो इन्होंने क्राउड सोर्स फंडिंग करके लोगों से अपील की और कहा कि कनौ को बचाने के लिए आप लोग पैसा दीजिए, डोनेशन दीजिए। बहुत लोगों ने डोनेट किया। इस देश के अंदर अच्छे दिल वालों की, दानवीरों की कोई कमी नहीं है। बहुत लोग सामने आए, कुछ लोगों ने संजीव अरोड़ा जी से प्रश्न पूछा कि एक बच्चे के लिए आप इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए एक बच्चा हो सकता है, उनके माँ बाप से पूछ के देखो, माँ बाप के लिए तो वो बेशकीमती बच्चा है। तो किसी तरह से इनको सब तरफ से मदद मिली, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इनको मदद की। मैं उन सारे सेलिब्रिटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने सभी पार्टीज़ के MPs से मदद ली और कई पार्टीज़ के दूसरे MPs ने भी मदद की, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और ख़ासकर पंजाब केसरी अखबार वालों ने बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स इस बच्चे के डोनेशन रेज करने के लिए अविनाश चोपड़ा जी ने छापे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और फाइनली 10.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। फिर इन्होंने कंपनी को फ़ोन किया कि भाई 17.5 करोड़ का है, हमारे पास 10.5 करोड़ आ गए, अब इंजेक्शन दे दो। तो कंपनी वालों ने भी सहयोग किया तो उन्होंने 10.5 करोड़ रुपये में ही वो 17.5 करोड़ का इंजेक्शन भेज दिया। हम कंपनी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और केंद्र सरकार ने उसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी तो हम केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि उसकी वजह से अब इस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जैसे पहले हाथ काम नहीं कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं हाथ काम कर रहे हैं, पैरों में भी इम्प्रूवमेंट आने लगी है बच्चे के। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसको लंबी आयु दे और भगवान इसको
खूब खुशहाल जिंदगी दे और इसके माँ बाप को सभी किस्म की खुशहाली दे। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए कनौ के पिता अमित ने बताया कि किस तरह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और संजीव अरोड़ा ने उनकी मदद की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे मिलकर उन्हें आश्वस्त किया। सबसे पहले हम संजय सिंह जी के पास गए, जो आम आदमी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। आगे से होकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें सब चैनल्स आए, उसके थ्रू लोगों में एक ट्रस्ट बना कि हाँ ये एक रियल केस है। और उसके बाद भी उनका हमेशा सपोर्ट रहा जब तक कि एक कैंपेन एंड नहीं हुआ। बीच में संजीव अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की और जो है हमें गाइड किया कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे आपके घर पर, आपसे कनौ की माता से और हर किसी से मुलाकात की, क्या कहा आपसे मुख्यमंत्री? उन्होंने अभी यही पूछा था कि हमको किसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है अभी या नहीं, क्या कैसा हालत चल रही है बच्चे की, तो वो सब पूछा। और उन्होंने यही पूछा कि हम आपके लिए आगे क्या कर सकते हैं और इस डिज़ीज़ के बारे में जाना और कैसे इसको एलिमिनेट किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ली उन्होंने और हमें अश्योर किया कि आगे भी इस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग वो कुछ ना कुछ एक सॉलिड कदम उठाएंगे। देखिए कनौ की मम्मी भी यहाँ पर है, इनसे भी बात करेंगे हम। क्या दिक्कत इसके शरीर में होती थी जब ये बीमारी थी और इसको इंजेक्शन नहीं लगा था? कनौ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, एक तो इसका फ्लपी शरीर है, लंग्स में बहुत, अगर टाइम से नई डोज मिलती तो लंग्स में अगर इशू स्टार्ट हो जाते तो शायद इसकी जान बचाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ये हाथ या बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था? बिल्कुल भी नहीं, इसके लेग्स में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी और ये हैंड्स में भी अभी आप देख रहे तो धीरे धीरे स्टार्ट हुई है। अभी ना बैठ पाता था, अगर किसी सपोर्ट के साथ भी बिठा देते थे तो भी एकदम से गिर जाता था। जो अभी ये हलचल कर रहा अपने हाथों से, पैरों से चीखना, ये सब नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल एक ऐसा। खुशी है इस तरीके से कनौ को देख के? मैं आपको अपनी खुशी का अंदाज़ा भी नहीं बता सकती हूँ। जब अभी मैं इसको इसलिए भी नहीं रोक रही हूँ मुझे, क्योंकि खुशी मिल रही है। जब मैं, जो मेरा बच्चा हाथ पैर भी नहीं लाता तो वो भी हाथ ही ला रहा है, तो मुझे ये देख के ही खुशी हो रही है, तभी मैं इसको किसी चीज़ के लिए रोक नहीं रही हूँ। अब कितने महीने का है ये? अभी 18 महीने का हो गया। हो गया 18 महीने का। और कब इसको इंजेक्शन लगाइए? इसको अभी 2 महीने हो जाएंगे कल, तो अभी 13 जुलाई को लगा था। 13 जुलाई को? तो ये रोज लगती है इंजेक्शन की कोई टाइम पीरियड? ये एक सिंगल डोज थी और ये वेट के हिसाब से होती है, जो कि यहाँ से थ्रू वैन के गई थी, जो वेट के हिसाब से थी। अगर इसका वेट 10 kg था उस टाइम पे, ये डोज 12 kg से ऊपर भी नहीं लग सकती है। इसकी भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, 2 साल से पहले या फिर 12 kg से नीचे बच्चे का वेट होना चाहिए था। अब खाने पीने किसी तरीके की दिक्कत? डॉक्टर ने बोला है कि कुछ आगे करना होगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? खाने पीने की वैसे तो कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन अभी ये ढंग से खा नहीं पाता है क्योंकि चोक हो जाता है इसका गला, और पहले ये सिर्फ लिक्विड लेता था, अभी हमने इसके लिए सेमी लिक्विड स्टार्ट किया है। चलिए खुशी तो है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे वो सभी डोनर के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, संजय सिंह, संजीव अरोड़ा के लिए? उस हर एक डोनर के लिए तहे दिल से शुक्रिया जिसने 10 रुपये दिए, 10 लाख रुपया दिया, सबका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इसकी जान एक से नहीं बच सकती थी। हर एक उस इंसान का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बच्चे की जान बचाई। ये कनौ की माँ है और माँ बाप की खुशी, क्योंकि माँ बाप की दुनिया, माँ बाप का संसार उनका बच्चा होता है, और जिस तरीके की हलचल इस वक्त कनौ कर रहा है अपने हाथ और पैर से, तो इनके चेहरे पर, कनौ की माता के चेहरे पर वो खुशी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। और ऐसे में हर किसी के सहयोग के साथ 17.5 करोड़ का इंजेक्शन 10 से 11 करोड़ में लगा और ऐसे में कनौ बिल्कुल स्वस्थ है। वो सभी मूवमेंट कर रहा है जो एक आम बच्चा करता है, इसीलिए कनौ के माता पिता उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम दुआ भी करते हैं कि दुनिया में कोई भी अगर ऐसा हो तो हर बच्चा स्वस्थ हो और हर किसी को इलाज मिल सके जिससे लोगों का जीवन बच सके। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। बीमारी की वजह से कनौ का शरीर एक्टिविटी नहीं करता था, लेकिन 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंजेक्शन लगने के बाद अब कनौ आम बच्चों की तरह एक्टिविटी करने लगा है। अपने बच्चे को मिले जीवन दान और परिवार में आई खुशहाली के लिए पूरा परिवार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।